काल चक्र में आज पंडित जी बता रहे हैं अलग अलग पहर यानी कि सुबह दोपहर शाम और रात को जो लोग पैदा होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है और उनका आने वाला कल क्या कुछ कहता है। चलिए पंडित जी जानते हैं जिन लोगों का जन्म रात के 12 बजे हुआ है और रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच पे हुआ है ऐसे लोगों का व्यवहार कैसा होता है और इनका भविष्य इनके बारे में क्या कुछ कहता है। पंडित जी बताइए जिन लोगों का जन्म मध्य रात्रि में 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुआ होता है उनकी कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में होता है। उनकी बौद्धिक क्षमता, यात्रा करने की इच्छा और उच्च स्तर के रोमांच को ये संकेत करता है सूर्य। ऐसे लोगों का सामाजिक जीवन बहुत अच्छा होता है और आपको बताएं ऐसे लोग अपने पिता की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे उठा लेते हैं, पिता का नाम बढ़ाते हैं, खानदान का नाम रोशन करते हैं। तृतीय भाव का सूर्य बड़ा ही अच्छा माना गया है लेकिन तृतीय भाव का सूर्य ज्येष्ठ भाई के लिए हानिकारक है। जिनके बड़े भाई हैं और कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है उनके बड़े भाई को पापक ग्रहों की दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि तीसरे भाव का यदि सूर्य हो तो जातक निसंदेह प्रतापी होता है और अपने कुल का नाम बढ़ाने वाला होता है। लेकिन अगर आपका जन्म रात के 2 बजे से और भोर के 4 बजे तक हुआ है तो आपकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में होगा। सूर्य दूसरे भाव में हो तो जातक धनवान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यदि शनि आपके कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ हो और सूर्य दूसरे भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा जातमी भिक्षुक और निर्धन भी होता है। तो इसलिए इन सब दुर्योगों को मिटाने के लिए आपको चाहिए कि आप सूर्य संबंधित वस्तुएं जैसे तांबा, गुड़, गेहूं, ये सारी चीजें आपको दान भी करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव जीवन से समाप्त होता है और जीवन में एक शुभ समय की शुरुआत होती है। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का, बात करते हैं मकर राशि की, जानते हैं कि पिकॉन्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं सफलता पाना तो ऐसे में आपको किस चित्र का इस्तेमाल करना होगा ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए आज जो मकर राशि के जातक हैं इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं वो भी आपके लिए लाभकारी होगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, अन्य आय स्रोतों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। नया घर और प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए शुभ समय है। आपको चाहिए कि आज कस्तूरी का इत्र आप प्रयोग करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि, जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ सफलता पाने के लिए किसी भी कार्य में और जीवन में आपको किस चित्र का इस्तेमाल करना चाहिए आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए आज कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, रुके हुए सरकारी कामकाज भी आप चुटकी बजाकर पूरे कर लेंगे, कोई व्यवधान नहीं होगा। आज आपके बच्चों की तरक्की हो सकती है, उन्नति हो सकती है, ऑफिस में आपके कामकाज की तारीफ होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि आप कस्तूरी का ही इत्र लगाएं या कस्तूरी अपने पास रखें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर जो कि मीन राशि, जानते हैं पाइसिस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए कौन से इत्र का आपको करना है इस्तेमाल आइए ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए मीन राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए वरना आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज यदि कोई आप यात्रा कर रहे हैं और अपने खान पान पर ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यात्रा का लाभ भी प्राप्त होगा, पिता का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। अगर कहीं आपका पैसा बहुत दिनों से रुका हुआ है और उसके लिए आप प्रयास करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि कस्तूरी का इत्र या मोगरे का इत्र आप लगाएं, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, दिलीप जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, मेरा नाम दिलीप है, मेरा जन्म समय है रात्रि 10:05 पे, जन्म स्थान है दिल्ली, 10 सितंबर 1983। जी जी पंडित जी, मेरी 2008 में शादी हुई है लेकिन जिससे भाई कितनी ज्यादा मतलब परेशान है कि जिस लड़की से शादी हुई है और मेरे ससुराल वाले हैं